सूफी मत क्या है, सूफी किसको कहते हैं, इनकी सिद्धांत क्या थे, इनका पर्पस उद्देश्य जो था वो क्या था। जब हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने देखा कि भक्ति आंदोलन के साथ साथ सूफी मत भी लोकप्रिय होता गया। इस मत के प्रवर्तक मुसलमान सूफी और संत थे जिनके उद्देश्य थे भक्ति आंदोलन के रामानंद, कबीर, नानक, रैदास, मीराबाई, इन सब से मिलते जुलते थे। उस काल के सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन एवं निजामुद्दीन औलिया प्रमुख थे। और आप देखिए सूफी संप्रदाय जो था उसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। अच्छा, सूफी मत का अर्थ क्या है? सूफी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चटाई। देखिए आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे सूफी मत, सूफी का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे सूफी का अर्थ होता है चटाई। सूफी संत किसे कहा जाता था? सूफी संत उन्हें कहा जाता था जो चटाई पर एक पंक्ति में बैठ करके ईश्वर की उपासना करते थे। सूफी उन मुसलमान संतों को कहते हैं जो दीनता का जीवन व्यतीत करते थे और ऊन के मामूली कपड़े पहनते थे और कोई किसी प्रकार का उनमें दिखावा आडंबर नहीं था और वे बहुत ही सादगी के साथ बैठ करके अपने प्रवचन दिया करते थे। सूफी संप्रदाय के लोगों का, संतों का जो जीवन था बहुत सीधा सादा सरल और स्नेह से भरा हुआ था। ये सांसारिक भोग विलास से दूर रहते थे, पवित्र और संयमित जीवन व्यतीत करते थे। सूफी मत का भारतीय विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सूफी मत के जो सिद्धांत थे वो इसी प्रकार के थे, परमात्मा एक है, वह सर्वव्यापी है, ईश्वर मस्जिद और मंदिर में नहीं बल्कि कहाँ रहता है, ईश्वर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। अच्छा, सूफी मत के लोग क्या करते थे? वो ये कहते थे कि अपना मन जो है वो एकदम पवित्र रखो। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है वो मनुष्य के मन में ही निवास करता है। इसके अतिरिक्त वे ज़्यादा कोई धार्मिक क्रिया कर्म वगैरह को महत्व नहीं देते थे, वो अच्छे कार्य करने को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। इसके अलावा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या बोलते थे? वो ईश्वर जब ही प्राप्त होगा जब आप क्या करोगे, अपने अहंकार को मिटाओगे। अपने अहंकार को मिटा करके ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और जब तक आपके अंदर ईगो या मैं की भावना रहेगी, जब तक मनुष्य जो है वो ईश्वर के दर्शन करने के योग्य नहीं होता है। अगर उसमें अहम की भावना है तो वो ईश्वर के दर्शन करने योग्य नहीं है। अच्छा, सूफी संत जो थे वो कहते थे कि ईश्वर के नाम का प्रेम से स्मरण करो, ईश्वर के नाम का प्रेम से स्मरण करो। उनका मानना था कि मनुष्य को ईश्वर की भक्ति में इतना लीन हो जाना चाहिए कि उसे कोई सुध-बुध ही नहीं रहे, मतलब वो हमेशा अच्छे कार्य करता रहे, ईश्वर की भक्ति में ही वो लीन रहे। और क्या है इसके अलावा, सब मनुष्य क्या है, सभी मनुष्य जो है वो ईश्वर की ही संतान है। और एक दूसरे से अगर आप लोग घृणा करते हो तो आप क्या करते हो, एक दूसरे से घृणा का भाव अगर आपके अंदर आता है तो ईश्वर क्या होगा, आपसे नाराज होगा। मानव जाति से अगर आप प्रेम नहीं करोगे तो ईश्वर आपसे नाराज रहेगा। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, ओ मुसलमानों, वही इंसान अल्लाह का प्यारा है जो उसके बंदों से प्यार करता है। बंदों की सेवा करना ही इंसान का सबसे पहला क्या है, फर्ज है। अच्छा, अब इसके अतिरिक्त सूफी संत बड़े संगीत प्रेमी भी थे। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत सुनने से मनुष्य का क्या होता है, हृदय पवित्र होता है और धीरे धीरे वह उसमें भाव आने लगता है और वह ईश्वर से प्रेम करने लग जाता है। उनके अनुसार संगीत से क्या होता है, मन केंद्रित होता है, संगीत से मन केंद्रित होता है, चित्त एकाग्र होता है और फिर बाद में वह धीरे धीरे ईश्वर को प्राप्त करने लग जाता है। अब इसी प्रकार से सूफी धर्म के अनुसार ईश्वर एक है, वह सर्वत्र व्याप्त है और ईश्वर सभी कुछ ईश्वर में है, उसके बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है। सभी कुछ लगाकर त्याग करके प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, वही सूफी संप्रदाय की क्या है, विशेषता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो सूफी संत हैं वो कौन कौन हैं और उनके क्या क्या विचार हैं। ये आपके क्या हुई, ये आपके सूफी संत, सूफी का अर्थ और सूफी संत के, सूफी मत के सिद्धांत या उनकी विशेषता है। तो आपके इसमें अति लघुतरात्मक भी पूछ सकते हैं और लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब इसके पश्चात हम अगले वीडियो में सूफी संतों का जो विवरण है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।